नीरज, जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, जो स्थिति अभी है, जो देखने को मिल रहा है, जितने भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अलग अलग राजनीतिक दल कर पाए हैं, उनमें परीक्षा में तो बाद में बैठेंगे, पास या फेल का तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कम से कम परीक्षा में बैठे तो, क्योंकि आज नामांकन का आखिरी दिन है, पर्चा भरने का आखिरी दिन है। ऐसे में बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो अपने तमाम कैंडिडेट्स का नाम ही डिक्लेयर कर पाने की स्थिति में नहीं हो रहे। किस तरह का चुनावी माहौल और कैसे इस स्थिति को, इस पूरे परिदृश्य को आंका जाए? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि एग्जाम तो बाद में देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल तक जाने के लिए जो पास की जरूरत है वो पास नहीं है, यानी एनरोलमेंट नंबर अब तक जो है दावेदारों का नहीं आया है। लेकिन अगर इस बार के हम चुनाव को देखते हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने 90 के 90 अपने दावेदार पेश किए थे और उसके बाद बीजेपी में भगदड़ मची थी, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है अलर्ट मोड पर आ गई थी और चाहती थी कि इस तरह की भगदड़ या जो है गुटबाजी कांग्रेस में देखने को ना मिले। इसके लिहाज से उसने देख देख कर अपने उम्मीदवारों को उतारा। तो वहीं अगर हम क्षेत्रीय दल की बात करें, जैसे कि जेजेपी का गठबंधन हुआ, इनेलो का गठबंधन हुआ, तो लगातार रीजनल पार्टियां इस बात का इंतजार करती है आखिरी वक्त तक कि जो राष्ट्रीय पार्टियों के नेता है जो बागी हो सकते हैं या फिर जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ेंगे उनको किसी तरह से टिकट थमा दिया जाए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बीजेपी से टिकट कटा था और उनको इनेलो और जेजेपी की तरफ से टिकट मिला था। तो लगातार इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि कांग्रेस कब अपनी लिस्ट जारी करे, और कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत जो है देर रात अपनी लिस्ट जारी करी थी। हालांकि अभी भी 4 नाम बाकी है, उन पर पेच फंसा हुआ है, तो रीजनल पार्टियां इसी बात का इंतजार करती है कि कब अपनी पार्टी से कोई बगावत करे और उनको तुरंत टिकट थमा दिया जाए, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी हमने देखा था कि बीजेपी और कांग्रेस से छिटक कर जो लोग गए थे उनको जेजेपी पार्टी ने टिकट दी थी, और वो ऐसे जो है दावेदार थे जो पहले और दूसरे नंबर की लड़ाई में शामिल होते थे, और यही कारण था कि बीजेपी की जो है माफ कीजिएगा जेजेपी की 10 सीट जो है 2019 में आई थी। तो इसी बात का इंतजार ना केवल जेजेपी इनेलो बल्कि आम आदमी पार्टी भी कर रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कई ऐसे दावेदारों को टिकट थमाए हैं जो कि बीजेपी से टिकट मांग रहे थे या फिर कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। हालांकि अब मात्र 6 से 7 घंटे का वक्त बच गया है, और इस 6 से 7 घंटे के बीच पूरे हरियाणा की बात करें तो सैकड़ों नॉमिनेशन तमाम इन 90 सीटों पर होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से 40 पहले कांग्रेस की लिस्ट आई थी, 44 आई थी आम आदमी पार्टी की लिस्ट आई जेजेपी की, और तमाम वो लोग जो निर्दलीय है वो भी नॉमिनेशन भरेंगे। कुल मिलाकर 6 से 7 घंटे 3 बजे तक का वक्त है, और जो लोग अपना नॉमिनेशन लेकर फॉर्म लेकर जो SDM ऑफिस के अंदर चले जाएंगे केवल उन्हीं का नॉमिनेशन होगा। तो इस 7 घंटे में हरियाणा की राजनीति में एक भूचाल सा आने वाला है, या फिर ये कहे कि जो है नॉमिनेशन के लिए एक बड़ी लंबी कतार जो है वो उम्मीदवारों की देखने वाली है। तो दूसरी तरफ समर्थकों की जो भीड़ है वो भी कहीं ना कहीं दिखने वाली है। जिन लोगों के हाथ इस एग्जाम का टिकट नहीं लगा है वो इस दंगल में नहीं कूद सकते, उन्होंने भी अपने समर्थकों को बुलाया है, अपने लोगों को बुलाया है और रणनीति बनाने की कोशिश है। तो कई लोगों ने जो है जो क्या ऐसे में ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को टिकट ना मिले वो बतौर अब इंतजार करना बहुत मुनासिब ना समझे, बतौर निर्दलीय अपना पर्चा भर दें। एक बार के अगर हम चुनाव को देखते हैं खासतौर पर हरियाणा के, तो कई ऐसे नाम थे जो बीजेपी की टिकट अनाउंसमेंट नहीं हुई थी उससे पहले जो है अपने आप को बीजेपी उम्मीदवार घोषित करके और नॉमिनेशन फाइल किया था। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से भी जो सांसद है JP, उनके बेटे ने भी अपने आप को कांग्रेस उम्मीदवार घोषित करते हुए नॉमिनेशन फाइल किया था, और साथ ही साथ जो लगातार दावेदार थे उन तमाम दावेदारों को जो है आला कमान की तरफ से ये इशारा दिया गया था कि आप अपनी तमाम NOC जो है वो ले ले, और हो सकता है कि उनको टिकट दिया जा सकता है तो वो तुरंत नॉमिनेशन करे। साथ ही साथ कुछ ऐसे दावेदार थे या फिर जो उम्मीदवार टिकट के जो दावेदार थे वो ऐसे भी थे कि उन्होंने अपने तमाम कागजी कार्रवाई जो है वो पूरी कर ली है, और इंतजार इस बात का किया जा रहा था कि अगर पार्टी उनको टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो रीजनल पार्टियों की बदौलत वो जो है विधानसभा की चौखट तक पहुंचना चाहते हैं। तो कई शख्स ऐसे भी थे कि
अगर कोई भी पार्टी टिकट नहीं देती है और उनको इस 2024 के दंगल में कूदना है तो उनकी भी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। बस आज इस 6 घंटे में देखना यह होगा कि कौन पार्टी से बगावत करता है, कौन दूसरी पार्टी का दामन थामने वाला है। और अगले इन 6 घंटों में एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी होने वाली है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों में जो कांग्रेस और बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट नहीं दी वो कहीं ना कहीं रीजनल पार्टियों का कुनबा बढ़ा सकते हैं, यानी अब जो है मौज आ सकती है जेजेपी, इनेलो, बसपा और एएसपी की, क्योंकि लगातार जिन लोगों की टिकट कटी थी वो इन पार्टियों में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि लगातार ये माना जाता है कि अगर रीजनल पार्टी में भी कोई शामिल होता है तो उसकी 1000-2000 वोट पार्टी के नाम पर कहीं ना कहीं पड़ सकती है। तो लगातार एक भूचाल पार्टियों में ज्वाइन करने का और पार्टियों की तरफ से टिकट देने का भी होने वाला है। लंबी कतार जो है तमाम एसडीएम ऑफिस में लगने वाली है। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बस रवि मैं आपसे, क्योंकि समय खत्म होने वाला है, बहुत जल्दी से ये जो आखिरी के कुछ घंटे बाकी हैं क्या उम्मीद की जाए, किस तरह की खबरें देखने सुनने को मिल सकती हैं चुनावों से संबंधित? देखिए, आखिरी के चंद घंटों के अंदर जो है वो जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा एक सेफ गेम खेलते हुए, सेफ प्ले खेलते हुए लगातार जो है वो डिले पे डिले जो है वो किया है ताकि जो बगावती सुर जो है वो उनको झेलना ना पड़े, तो उसको लेकर अब जो है वो सीधे तौर पर जो अपने आप को संभावित उम्मीदवार मान के चल रहे थे, संभावित उम्मीदवार मान रहे थे, उनका अब जो है वो विद्रोह देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि सीधे तौर पर अब वो संभावित उम्मीदवार जो है वो डीसी ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस में जाकर जो है वो अपना नामांकन भरने के बाद जो है वो कोई ना कोई बयान देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हर किसी को उम्मीद होती है कि उन्होंने जो मेहनत की है, दशकों से जो मेहनत करके आ रहे हैं या उनका परिवार जो है वो मेहनत कर रहा है, उसके बाद उनको जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो है वो मिलेंगे। लेकिन अब जब नहीं मिल रहा और इसी बात से बचने को लेकर जो है वो कांग्रेस द्वारा बहुत देर तक जो है वो लिस्ट की सूची को जो है वो टाला गया और टालने की कोशिश के इसके पीछे की यही वजह थी कि जो बगावती सुर जो है वो माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले, ठीक वैसे ही बगावती सुर जो है वो कांग्रेस के अंदर देखने को ना मिले, जैसे सुर पहली लिस्ट और दूसरी सूची जो जारी करने के बाद जो है वो देखने को मिले थे। तो अब सीधे तौर पर जो संभावित उम्मीदवार अपने आप को मान रहे थे वो डीसी ऑफिस या फिर एसडीएम ऑफिस में जाकर नामांकन भरेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत दिलचस्प होगा देखना। तो आज का दिन बहुत दिलचस्प है। तो चुनावों की दशा और दिशा को तय करने के लिए हम कह सकते हैं रवि ये चंद घंटे काफी हैं, बहुत कुछ ये चंद घंटे बता देंगे कि इस बार का जो चुनाव है उसकी क्या दशा और दिशा रहने वाली है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से अब तक का यदि हम जिक्र करें, अब तक जो है वो लगातार सीधे तौर पर प्रदेश के अंदर जो है वो दो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों का जो है वो जलवा देखने को मिला था। लोकसभा का जिक्र कर लें या फिर विधानसभा का जिक्र कर लें, विधानसभा में जिस तरीके से हर हलके के अंदर हमारे संवाददाता जो है वो जा रहे हैं, लोगों से सीधे तौर पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में ही दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से टिकट जो है वो डिले की गई और डिले करने के बाद जो उनकी तरफ से कोशिश थी उसके अब क्या कुछ परिणाम जो है वो रहते हैं, क्योंकि जो संभावित उम्मीदवार थे जाहिर तौर पर वो सीधे तौर पर टिकटें जो है वो काटते हुए कांग्रेस के ही दिखाई देंगे या फिर यूं कहें कि जो वोटर्स हैं उनको जो है वो काटते हुए दिखाई देंगे। अब इसका क्या और कितना इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलता है ये आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जाहिर तौर पर इसका खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज से बचने को लेकर इतना लंबा वक्त जो है वो कांग्रेस द्वारा लिया गया उसी बात को यदि वो पहले जो है वो सूची जारी कर देते तो जो उम्मीदवार थे उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता कि वो प्रचार प्रसार में लगा सकते थे, जो रूठे उनको मना सकते थे, लेकिन अब रूठने और मनाने का समय जो है वो बीत चुका है, अब सीधे तौर पर नामांकन पर जो है वो बात पहुंच चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर करो या मरो की लड़ाई जो है वो कांग्रेस के भीतर ही देखने को मिलेगी।